राकेश सिंह, श्री करण सिंह वर्मा, श्री उदय प्रताप सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कैलाश विजय मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतर्ग्रहण से निर्वाहन करवाने करूंगा तथा सभी प्रकार के लोगों के संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो ये शपथ ग्रहण समारोह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने अभी शपथ ली है उन्हें महोदय राज्यपाल ने बधाई दी शुभकामनाएं दी पूर्ण गुणस्थ के साथ। श्री कुंवर विजय शाह, श्रीमती संपत्या उइके, श्री तुलसी राम सिलावट, श्री एदर सिंह कंसाला, सुश्री निर्मला भूरिया, श्री गोविंद सिंह राजपूत, श्री विश्वास सारंग को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कुंवर विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और मैं भारत की प्रमुखता और अखंडता अपने मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का संचारण से निर्वहन करूँगा। भय अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कुंवर विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा आपको मुझे ज्ञात होगा व्यक्ति या सेवाएं
मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के संदेश भगवान के लिए घोषणा करना अपेक्षित हो। संसूचित नहीं रहते देखिए, ये देखिए, यहाँ राज्यपाल बधाई शुभकामनाएं देते हुए जो मंत्री पद की शपथ ले रहा है और ये 12 विधायक शपथ ले चुके हैं, 18 विधायक कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे, 4 राज्य मंत्री और 6 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की शपथ लेंगे। तमाम नाम जो शपथ ले रहे हैं वो उनके बारे में जो उनका पॉलिटिकल प्रोफाइल है उसकी पूरी जानकारी भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीएम भी, और सस्पेंस अब खत्म हो चुका है, तस्वीर साफ हो चुकी है। पहले जहां 15 से 18 मंत्री की बात कही जा रही थी और अब ये नाम नारायण सिंह कुशवाहा, श्री नागर सिंह चौहान, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, श्री राकेश शुक्ला, श्री चैतन्य कश्यप भैया जी, श्री इंदर सिंह परमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं दिल्ली द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संपूर्ण पूर्णता अखंडता रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या भेद के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टिया प्रकट नहीं करूंगा। छह और विधायकों ने अब शपथ ली है और शपथ ग्रहण समारोह अब आधा हो चुका है। इंदर सिंह परमार शिवराज सरकार में मंत्री रहे, बचपन से ही इनका जुड़ाव संघ से रहा है, शुजालपुर से विधायक हैं। विश्वास सारंग ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी, सिंधिया गुट के आते हैं, कट्टर समर्थक हैं और वो भी अब इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। शिवराज सरकार में मंत्री रहे थे प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर से विधायक हैं। करण सिंह वर्मा, राकेश सिंह, नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर साउथ से विधायक हैं, शिवराज सरकार में भी मंत्री रहे थे। ये भी रिपीट यहाँ पर किया गया है। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं नारायण सिंह कुशवाहा और ग्वालियर दक्षिण से ये विधायक हैं। चैतन्य कश्यप रतलाम से विधायक हैं, सबसे अमीर विधायक है, संपन्न, वेतन भत्ता भी नहीं लिया था और रतलाम से विधायक हैं और अब इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। तो शपथ ग्रहण करने के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलते हुए शुभकामनाएं उनकी तरफ से दी जा रही है कि नए मंत्रियों को
और अब उम्मीद यही कि रफ्तार के साथ प्रदेश के अंदर अब काम होंगे। तो छे छे करके यहाँ विधायक शपथ ले रहे हैं, 18 विधायक जो कैबिनेट मंत्री बने हैं और अब 4 राज्य मंत्री और फिर 6 स्वतंत्र प्रभार, उनकी शपथ होनी है। राजभवन से कृपया आवास नियुक्त मंत्री श्रीमती संबतिया उइके को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं संपत्तियां उनके ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वाहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं संपत्तियां हुई है ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगी। मुझे भी आदिवासी चेहरा संपत्तियां हुई के मंडला से विधायक और अब वो इस कैबिनेट का हिस्सा बनी है, शपथ ग्रहण उनकी हो गई है। तो इस बार 5 महिलाओं को जगह दी गई है कैबिनेट में और संपत्तियां हुई की को यहां पर शुभकामनाएं फूल देते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल। तो लंबे इंतजार के बाद अब वो कैबिनेट सामने है। महोदय, नियुक्त राज्य मंत्रीगण श्रीमती कृष्णा गौर, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेटवाल, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह पवार, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्री अहिरवर दिलीप, श्रीमती राधा सिंह अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेटवाल, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह पवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराए। तो राज्य मंत्री
स्वतंत्र प्रभार यहां पर शपथ अब ले चुके हैं। 6 विधायकों ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली है, जिसमें कृष्णा गौर भी शामिल हैं। भोपाल से पहली महिला विधायक, गोविंदपुरा से विधायक हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की कृष्णा गौर ने शपथ ली है। ध्यान राज्यपाल के हाथों फूल स्वीकार करते हुए, शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए, तो 6 राज्य मंत्रियों स्वतंत्र प्रभार ने यहां पर अपनी शपथ ली है। सभी को एक एक कर यहां पर शुभकामनाएं पुष्पगुच्छ देते हुए राज्यपाल मुख्यमंत्री से मिलते हुए शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए, क्योंकि पूरे 28 मंत्री हैं तो ऐसे में से प्रावधान किया गया कि एक एक साथ यहाँ शपथ दिलाई गई है, ताकि समय का सदुपयोग किया जा सके। तभी तस्वीर सामने आ चुकी है मोहन मंत्रिमंडल की। सभी समीकरणों का ध्यान रखते हुए, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, संभागीय समीकरण हो, या फिर कौन किस दिग्गज का नजदीकी है, इसका भी ख्याल रखा गया है। सिंधिया समर्थकों को भी इसमें जगह दी गई है। नियुक्त राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्री अनिर्वाण दिलीप, श्रीमती राधा सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएंगे। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं निजी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँ। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूँ। मैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और सुरक्षा करके निर्वहन करूँगा तथा मैं भारत या पक्षपात अनुवाद या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं शपथ लेता हूँ राज्य मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा। अपना होगा व्यक्ति या व्यक्ति को तब के सवाल व्यक्ति ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के कमल निर्वहन के लिए ऐसा करना हो जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या कुछ नहीं करूँगा। और राज्य मंत्रियों की अब शपथ यहां पर हो गई है और ऐसे में अब ये पूरी कैबिनेट शपथ ले चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी ने शपथ ले ली है। 18 कैबिनेट मंत्री, 6 स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री। 28 का ये नंबर और अब राज्यपाल और सीएम से शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए कि राज्य मंत्री जिनमें 2 महिला विधायक हैं, राजभवन की तस्वीरें, मंथन बहुत हुआ भोपाल भी दिल्ली भी और अब तस्वीरें मंथन के बाद जो निकलकर सामने आया वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। किसे किसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में जगह मिली है वो नाम वो चेहरे आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? अनुमति है महोदय। आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। 18 विधायक कैबिनेट मंत्री बने हैं, 6 स्वतंत्र प्रभार और 4 विधायक राज्य मंत्री बनाए गए हैं।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसमें कुछ अनुभवी चेहरे जिन्हें आप पिछली सरकार में भी देखते रहे हैं और कुछ नए जिन्हें इस बार जगह मिली है और साथ ही महिला विधायकों को भी जगह दी गई है।